वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम बलबीर है, मैं और सचिन तेंदुलकर जी का ही रोल करता हूँ, बहुत सालों से करता आया हूँ। और प्रशांत वार्ल्डे जो इस फिल्म के हीरो हैं, वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही पुराने दोस्त हैं। उन्हें पहले ही बहुत टैलेंट था और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि प्रेम आतुर फिल्म के जो हीरो आ रहे हैं, और मैं उन्हें कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा। और ये फिल्म कैसी है अभी देख कर पता चलेगा, और देखने के बाद इसके बारे में मैं बताऊँगा। लेकिन इतना है कि एक लुक लाइक और उसका फिल्म का हीरो आ जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है लुक लाइक भाइयों के लिए। और मैं एक बार फिर से प्रशांत बार्डे, हमारे शाहरुख खान लुक अलाइक को मैं कंग्रेचुलेशन एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप ऐसे ही फिल्में बनाते जाएँ और हमारे लुक लाइकों का भी नाम होता है। और बहुत खुशी हो रही है, मैं तो अपने आप को बड़ा ही गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मेरे लुक अलाइक भाई आज इस फिल्म का हीरो आ रहे हैं। सचिन की आवाज़ लेनी है? ओ यार, डेफिनेटली आई एम सो हैप्पी। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये सुनकर के हमारे प्रशांत वार्ल्डे प्रेम आतुर फिल्म के हीरो आ रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो ऐसी फिल्में बनाते जाएं और हमारे लुक लाइक का नाम भी होता रहे। और मैं यही कहूँगा कि ये फिल्म कैसी है ये तो देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन जो भी होगा, जैसी भी होगी, मैं आपको उसका बाद में बताऊँगा। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आरिफ खान, लुक लाइक ऑफ फरील कपूर एंड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लुक लाइक एसोसिएशन और झकास बॉलीवुड का होस्ट। मेरा अपना चैनल है झकास बॉलीवुड, और मैं प्रेम आतुर के बारे में इतना ही कहूंगा कि एक लव स्टोरी है, हॉरर हॉरर सस्पेंस लव स्टोरी। और ये इसके लिए प्रशांत वाल्दे, मेरे छोटे भाई शाहरुख खान लुक लाइक ऑफ शाहरुख खान, इन्होंने स्पेशल मेरे लिए स्क्रीनिंग रखा था, और वो मैंने और दिल का क्या कसूर के हीरो, उन्होंने नितिन लाइकवार ने, हम तीनों ने मिलकर के और उनकी फैमिली ने, हमने मिलकर के ये फिल्म देखी थी। फिल्म देखने के बाद में इस फिल्म का लुक मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, कहीं से भी ऐसा लगता नहीं कि ये फिल्म जो है तो कोई छोटी फिल्म है। प्रेम आतुर फिल्म है, प्रेम आतुर मीन्स प्रेम में आशक्त, प्यारी जिंदगी है, अगर प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। कहते हैं जब प्यार हद से गुजर जाता है, जब प्यार हद से गुजर जाता है तो एक प्रेमातुर बनता है। इसलिए प्यार ही सब कुछ है, अगर प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। ये एक लव हॉरर सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, और इसकी कहानी मैंने ही लिखी है एंड प्रोड्यूस भी मैंने किया है, और इस फिल्म में आज हीरो में डेब्यू हुआ हो। ये मल्टी चैलेंजेस, मतलब मल्टीटास्किंग वाला जो काम आपने किया है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग एक्टर प्रोड्यूसर, ये कितना डिफरेंट रहा और चैलेंजिंग रहा सर? सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जो भी हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, मेरे इंस्पिरेशन मेरे गॉडफादर शाहरुख खान साहब की वजह से हूँ। मैं पिछले 16 साल से शाहरुख खान साहब के साथ एज बॉडी डबल काम कर रहा हूँ। मैंने सब चीज़ें उन्हीं के साथ रह रहे के सीखी हैं, और उनका जो फिल्म के लिए डेडिकेशन है, पैशन है, उसी चीज़ को मैंने फॉलो किया है। और पहले से ही, जैसे मैं ओम शांति ओम से उनके साथ में काम कर रहा हूँ एज बॉडी डबल, तो तभी से मैंने ठान लिया था कि कल चल के मैं भी फिल्म बनाऊँगा। तो मैं काफ़ी बारगाई पर काम करता था, अभी भी करता हूँ, और सब कुछ उन्हीं से सीखा है। आपने जैसे कहा शाहरुख खान से आपको इंस्पायर्ड है, सीरीज से बात है, शाहरुख खान के ऊपर पिछले एक साल से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है काले बादल छाए हैं, और बिहार प्लान में भी न्यूज़ में थे, तो आपको कितना वो चीज़ें खलती या बुरी लगती है? वो तो मेरे गॉडफादर है, मेरा जो घर है, मेरा किचन जो है उन्हीं से चलता है, तो मैं अपने
गॉडफादर के बारे में तो कुछ भी नेगेटिव बोल नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, ना सुन सकता हूँ, तो प्लीज़ हम जो है प्रेमातुर फिल्म के बारे में ही बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, उनका सवाल था, जब भी से ट्रोल होते हैं शाहरुख खान जी, तब आपके मन में क्या ख्याल आता है, आप कैसे रिएक्ट करते हो जब भी वो ट्रोल होते हैं? मेरे गॉडफादर दुखी होते तो मैं भी दुखी हो जाता हूँ, अंतरात्मा बहुत दुखी होती है, क्योंकि जहाँ आप सोचते आप भी जैसे हैं कि किसी वजह से आपका घर चलता है तो उन्हीं की वजह से मेरा घर चलता है, किचन चलता है, और पर्सनली मैं जानता हूँ कि बहुत ही नेक इंसान है, डाउन टू अर्थ है, ग्राउंडेड है, और जैसे मैं महाराष्ट्रीयन हूँ तो हम कहते कि देव मानुसा है। सर आज के पास में जो खड़े हैं, बताएंगे सर इनके बारे में, कल्याणी जी हैं, ईशा जी, अभी आप ही इनका इंट्रोडक्शन ले सकते हैं, इनका इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम हिता शाह है और प्रेमातुर मूवी में मैं पूजा का कैरेक्टर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारी सी लड़की है, और उसे बहुत विश्वास है प्यार पे, लेकिन उसे उतना ही विश्वास है अपने चरित्र पे, अपने कैरेक्टर पे। तो पूजा की लाइफ की जर्नी कहाँ से कहाँ तक जाती है प्यार में, वही बस इस पिक्चर में आपको देखने मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि प्रशांत ने मुझे ये रोल दिया और सागर जी ने बहुत अच्छे से हम सबसे काम करवाया, और मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ हमारे प्रोड्यूसर को, प्रवीण भैया, शान, प्रशांत, सत्या भाई, क्योंकि अगर ये लोग नहीं होते ना तो आज हम यहाँ खड़े नहीं होते, तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देम। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे प्रवीण भाई के लिए और इनके लिए और इनके लिए और सत्या चारों प्रोड्यूसर के लिए प्लीज़ सभी तालियां बजाएं, भगवान उनको बहुत ज़्यादा ग्रेस दे कि ऐसा कुछ अच्छी चीज़ बनाने के लिए आगे आए वो लोग। बिकॉज इस फिल्म की खासियत है, जब सारी दुनिया घर के अंदर कैद थी तो हम शूट कर रहे थे जहाँ पुलिस के डंडे बरस रहे थे लोगों पे जब बाहर आते थे, तो हम अपनी जान की जोखिम, अपनी जान हथेली पे रख के जो है शूट कर रहे थे, लेकिन वहाँ के लोग इतने प्यारे थे कि हम जब शूटिंग करते थे हम उनको बोलते थे कि भैया सोशल डिस्टेंसिंग है वो क्या होता है, मींस दे डोंट नो कि इतना कुछ मतलब माहौल ख़राब है, मतलब हमने बहुत अच्छे से शूट किया और बहुत एंजॉय किया हमने। बिल्कुल यूपी में शूटिंग, यूपी में चरखारी में शूटिंग होगी, बुंदेलखंड में, वहाँ मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड है ब्रिजभूषण जी राजपूत, उन्हीं की हवेली है, उन्हीं का क्षेत्र है, तो उन्होंने ही हमें इस फिल्म को बनाने का अवसर दिया। बिल्कुल, हम उनको भी नहीं भूल सकते, उनका भी धन्यवाद बनता है, उनका तो बहुत बड़ा धन्यवाद बनता है, क्योंकि इतनी बड़ी हवेली, इतनी सुंदर हवेली थी, बहुत प्यारी हवेली, शूट किया दौरान नहीं एक्चुअली हम ऐसी जगह पे थे जहाँ पे बिल्कुल भी कोविड का किसी को डर नहीं था, एक्चुअली कोई केस भी नहीं, वहाँ पे एक भी केस नहीं थे कोविड के, तो हमें किसी तरह का कोई डर नहीं था, और हम वैसे सारे प्रोटोकॉल फॉलो भी कर रहे थे, पहले ही जाते बराबर हमने सबका टेस्ट करवाया, सबसे पहली मैं थी उसमें, वो सजा भुगतने वाली सबसे पहली लड़की मैं थी। और एक्चुअली फिल्म की बात करूँ तो मैं उसमें सोनिया का किरदार निभा रही हूँ, सोनिया बहुत ही सिंपल लड़की है, पर वो चूँकि कहते हैं ना शहरी माहौल में रह के बहुत परेशान भी हो चुकी है, तो उसको गांव की शांति चाहिए, और इसके लिए उसके जो राज जी हैं यहाँ पे राहुल, उनको लेके जाते हैं एक ऐसी जगह पे, और पर उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं वहाँ पे कि वो और परेशान हो जाती है, बहुत सारी चीज़ों में फंस जाती है, फिर उससे निकलने के लिए स्ट्रगल करती है, एंड देन उसके जिम्मेदार यही है प्रशांत जी, हमारे प्रेमातुर है यूपी में, आसाम में, कल रिलीज हो रही है राजस्थान में, देन कलकत्ता में, और फिर से यूपी में रिलीज हो रही है, यस ऑलरेडी चल रहे हैं, लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपना आशीर्वाद प्यार इस फिल्म पे बनाए रखें। मैं देख ही रहा हूँ क्रिटिक काफी थी, थोड़ा कहीं मिलेगा, इंटरेस्ट का मिलेगा जी, आप देखेंगे इस फिल्म को जो है सबसे बड़ी उपलब्धि मिली है कैंस फिल्म फेस्टिवल में, जो कि हर डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, हर एक्टर का ख्वाब होता है, इसका प्रीमियर फ्रांस में कैंस फेस्टिवल में हुआ है, और ऑल अराउंड 7 बेस्ट एक्टर अवार्ड मिले हैं इस फिल्म को, बेस्ट फिल्म अवार्ड भी मिले हैं, तो काफ़ी सारे अवार्ड से ये है सम्मानित हैं, बट काफ़ी सारी मुश्किलें इस फिल्म को बनाने में गई, रिलीज़ करने में गई, देन पोस्ट में गई, बिकॉज ऑफ
पैसा। तो मेरे जो फ्रेंड हैं शान, इन्होंने साथ दिया, मेरा फ्रेंड सत्य, इन्होंने साथ दिया, देन मेरे बड़े भाई, जब भी ये फिल्म रुकते गई तो ये बीच में आते कि चल कोई नहीं अपन करते यार। उन्होंने कभी हिम्मत हारने नहीं दिया हमें, तू कर मैं तेरे साथ हूँ। ज़रूर दिखाएंगे, वो तो मेरा ख्वाब है कि मेरे गॉडफादर इंस्पिरेशन को जो है एक झलक दिखा दूंगा ज़रूर। और वैसे तो उन्हें पता ही होगा, मैं मानती हूँ भले शाहरुख खान साहब नहीं आए, लेकिन शाहरुख खान साहब है। बंगाली दादा कहाँ पे गए? जी जी जी, हमारे हमारे लिए वही शाहरुख खान साहब है, आज यहाँ पे उनके प्रतिनिधि बन के आए हैं वो। देखिए मैंने तो जैसे मैंने कहा कि मैंने सब कुछ शाहरुख खान साहब से सीखा है, तो उनका मैंने मतलब हर एक चीज़ जो है देखता भी था और सोचता भी था उस बारे में, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था एक्टिंग का, लेकिन उनके साथ रह रहे के जो है प्रशांत फील करो कैरेक्टर को। तो मैंने मेरे डायरेक्टर सागर जी को बोला था कि एक बार मैं शूटिंग से पहले इस कैरेक्टर में डूब जाऊँगा, और बाद में शूटिंग के बाद कब निकलूँगा इसका मुझे भी नहीं पता। तो मैंने हमेशा जो है शाहरुख खान साहब को फॉलो किया है कि जो कैरेक्टर मिला है उसे जियो, उसे फील करो। फिल्म में आपको उनकी झलक शाहरुख की दिखाई देगी, पर वो भी प्रशांत के अंदाज में दिखाई देगी। हकलाते हुए नहीं। पर इनके किरदार की खास बात ये थी, जब हम सेट पे होते थे पूरे टाइम ही अपने कैरेक्टर में रहते थे, उसी सैड मूड में। मतलब सागर सर की तरफ मैं देखती थी, क्या हुआ इनको, पूरे टाइम ऐसे क्यों रहते हैं? मतलब ऑन सेट हो तब भी, ऑफ सेट हो तब भी, वो वैसे ही रहते। और इसमें मेरा प्रेमातुर टीम ने, जितने भी प्रेमातुर टीम में मेंबर्स थे, उन्होंने बहुत साथ दिया, तो उसके लिए भी मैं उनका हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अगर टीम नहीं होती तो ये फिल्म भी नहीं होती। सभी ने जो है बखूबी इस फिल्म में अपना अपना रोल निभाया है। हाँ जी, एक्चुअली उस समय तो लॉकडाउन था, आप देखेंगे उस लॉकडाउन का असर भी देखेंगे मूवी में, जैसा मैं अभी दिख रहा हूँ एकदम ऐसा नहीं लगूंगा। तो मुझे एक कॉल आया प्रशांत भाई का, हालांकि बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं भी सलमान भाई का लुक लाइक करता हूँ, तो हम दोनों बहुत करीबी दोस्त रहे हैं। तो इनका कॉल आया, बोले कि मूवी है, जल्दी से बैग पैक करो और आ जाओ। तो मैं बोला ठीक है, मेरे दोस्त की मूवी है, लॉकडाउन था, मम्मी पापा को थोड़ा मनाना पड़ा कि भाई जाना है, और फिर मैं दोस्ती निभाने के लिए मैं निकल पड़ा बस चरखारी की तरफ। और चरखारी में करण अर्जुन दोस्ती निभाते हैं, और यहाँ पे शान और प्रशांत दोस्ती निभाते हैं। नहीं, वो बहुत दूर थे एक्चुअली, उनके लिए तुरंत ओवरनाइट आना वाज वेरी डिफिकल्ट। बड़े मुश्किल से वो पहुंचे, हमें पता है वो कैसे पहुंचे हैं, बट वो आ गए थे सेट पे। आएंगे दोस्ती निभाने के लिए तो दोस्त पहुंच ही जाएगा। तो बस इन्होंने मुझे ऑनबोर्ड किए, और उसके बाद एक कैमियो, मतलब मैं एक्चुअली इस मूवी से डेब्यू कर रहा हूँ एज ए शांतनु घोष। अभी तक लोग सलमान लुक लाइक शान घोष के नाम से जानते थे, लेकिन प्रशांत भाई ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आज एक डेब्यू कर सकूं शांतनु घोष के किरदार में, और फिर इन्होंने ही अपॉर्चुनिटी दी है मुझे को प्रोड्यूसर बनने की, तो आज मैं मूवी में को प्रोड्यूसर का भी एक पार्ट निभा रहा हूँ। लागत लगी है, आपको लगता है कि सही जगह लगी है? सही एकदम सही जगह। एक चीज़ मैंने सीखा है कि सब कुछ तो यहीं पे छोड़ के जाना है एट लास्ट। जी हाँ, ये कोई भी सर। हाँ, और एक इसमें बिलीव करता हूँ कि कर्म करो, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। तो बहुत आपको तो मालूम है हमारा फील्ड कैसा है, कि कभी काम रहता है कभी नहीं रहता है, लेकिन मैंने कभी होप छोड़ी नहीं, बोला नहीं यार करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसे ही करते करते जो है फिल्म बना डाली। शान भाई, सलमान खान की दो बड़ी फिल्में आ रही है, टाइगर सिंह दिसंबर में और भाईजान ईद में 2023 में, तो आप कितना एक्साइटेड है और क्या कहना चाहेंगे? मैं उनका बहुत बड़ा, मैं एक्चुअली उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, उनसे इंस्पायर होकर मैं सोशल वर्क वगैरह भी करता हूँ। इवन ये मूवी में भी आने का, मतलब जो प्रशांत भाई ने अपॉर्चुनिटी दी है, तो मेरे मन में ये था कि आगे जाके कभी मैं प्रोडक्शन हाउस और ये वो कुछ करूँगा, तो प्रशांत भाई के कारण आज मैं को प्रोड्यूसर बन पाया हूँ, आप समझ रहे हैं। तो मतलब ये सब कुछ ऐसा लिंक है, आपको पता होगा सीक्रेट जो पीछे काम करता है, आप जिसके बारे में सोचते वो सब होते जाता है, तो बस माध्यम बनते जाते हैं, अपॉर्चुनिटी देने वाले भी आ जाते हैं, सब कुछ होते जाता है। भाईजान को लेकर जो ट्रोलिंग होती है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कई सारे लोग बोलते हैं भाई भाईजान
टाइम हो गया भाई। देखिए ट्रोलिंग तो होती है और फिर चली भी जाती है और भाईजान की पिक्चर हिट हो जाती है। वैसे भी है ना, ये तो सभी जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। हां, जो है नाम वाला वही बदनाम है। जी सर, सर ये बात से आप कैसे कितना कैरेक्टर की तरह इस फिल्म में राहुल का किरदार निभा रहा हूं। बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है और सौभाग्य से मुझे इस टीम के साथ जुड़ने का मौका मिला। बड़ी विषम परिस्थितियाँ थी जब हमने फिल्म शूट की, कोविड जैसा भी सारी बातचीत हो गई और एक नया अनुभव था हमारे लिए इतनी कठिन परिस्थिति में काम करना जहाँ पर खुद को ही बचाना है और काम भी करना है। लेकिन चूंकि टीम इतनी अच्छी थी, सब लोग इतने अच्छे थे, हमारे डायरेक्टर साहब सागर जी है ना, कल्याणी हीरा जी, प्रशांत, हम लोग ने इतना अच्छा काम किया साथ में मिलकर कि मज़ा भी आया और कभी एहसास भी नहीं हुआ कि हमने कोविड में काम किया है और बच के भी आ गए, सबसे इम्पोर्टेंट। हमारी टीम में से किसी को कोविड नहीं हुआ है। ग्रीन जोन था वो, वहाँ पर कुछ था भी नहीं, चला भी नहीं। और लोग बहुत अच्छे थे, अच्छा लगा, अच्छी फिल्म है। जैसा कि आप पता है ना, आपकी हर फिल्म चाहे वो बड़ी फिल्म हो या छोटी फिल्म, फिल्म होती है उसको बनाने में जितनी मेहनत लगती है और जितना यू नो मैन पावर जाती है वो इस फिल्म में भी गई है। लेकिन ख़ास बात यह है कि उस परिस्थिति में हम निकल आए काम करके, ये अच्छी बात है। आप फिल्म देखिए, आपको पसंद आएगी आई होप। प्रशांत जी के बारे में बोला निकला कहीं तो क्या कुछ कहेंगे? प्रशांत जी मेरे भाई जैसे हैं और मेरी मुलाकात पहली बार इस फिल्म से हुई और उसके बाद फिर वो भाईचारा बढ़ता चला गया, आज हम भाई भाई। एज एन एक्टर तो है ही है लेकिन साथ में भाई भाई भी हैं। पहाड़ से लेके गाना था उसके बाद आप करो ना, आपका जो गाना था। एक्चुअली हम एक गाना शूट कर रहे थे और हमारे डायरेक्टर सर यहीं बैठे हैं, मुझे याद है वो सीन। और बहुत ऊंचाई थी, आई डोंट नो कितना होगा, बहुत हाइट, मतलब हाइट मुझे याद नहीं। और हम लोग वहाँ पे शूट कर रहे थे, बिल्कुल एक पत्थर था एकदम लास्ट, एकदम लास्ट जहाँ से फिर नीचे के बाद पता नहीं चलेगा और वहाँ मुझे खड़ा कर दिया गया कि आप। और इनके पाँव ऐसे बिल्कुल लिटरली कांप रहे थे और ये डायरेक्टर सर से कहे जा रहे हैं सर मुझे नीचे उतारो, मेरे बच्चे हैं प्लीज मुझे नीचे उतारो। वो सीन मुझे आज भी याद आता है, मैं बहुत हंसती हूँ। मैं तो बिंदास खड़ी थी क्योंकि मेरे ना पाँव में सैंडल थी ना जूता था, तो खाली पैर हमारी ग्रिप बहुत अच्छी बनती है पत्थर के ऊपर। कोविड का नहीं था, डर ये था। हां, डर ये था उस मोमेंट पे, डर यही था कि भाई नीचे उतारो यार, हो गया ना, खत्म करो यार, इतनी ऊंचाई थी सीरियसली। तो लेकिन सब फन, मजा आता है, हमारा काम है। साड़ी पे शूज पहन के ऊपर चढ़ाई की गई बिकॉज ऊपर जाने का कोई और रास्ता नहीं था जहाँ गाड़ी जा सके, टू व्हीलर भी नहीं जा सकता था। तो हमारे डायरेक्टर सर ने कहा कि जूते डालो और जाओ, तो हमने साड़ी पे जूता डाला और वो चढ़ाई। लोकेशन आप देखोगे, ट्रैकिंग बहुत अच्छी, प्यारा लोकेशन है, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। हाँ, सेट पे खाने का भी बहुत कम आया। प्रशांत जी, आखिर आखिर सवाल ये कि एक्साइटमेंट है, नर्वस है, मैं तो कि रिलीज हो रही है, क्या कुछ? एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि मेरा एक सपना जो था कि फिल्म बनाना है देन रिलीज करना है, वो मैंने पूरा किया। मशक्कतें तो करना पड़ा लेकिन पूरा कर लिया। एंड जहाँ रिलीज़ हुई मेरी फिल्म, जैसे भी आसाम में चल रही है, अच्छा कलेक्शन आ रहा है और यूपी में भी पसंद किया जा रहा है और काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का मुझे कॉल आ रहा है कि यार ये फिल्म हमें भी दो, हमें भी दो। तो इससे ज़्यादा हमें इस खुशी की बात क्या हो सकती कि लोगों को पसंद आ रही फिल्म। और ये मेरा पहला छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, तो मैं आगे में भी जो है चाहूँगा कि इससे भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना पाऊँ और जो हमारे हमारी जनता जनार्दन है उनके सामने ला पाओ। नीट एंड क्लीन है। देखिए, जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई उस वक्त हम 5 महीने से कोविड में घर में थे और ये सिचुएशन था कि जब स्क्रिप्ट हाथ में आती है तो डेफिनेटली एक्साइटमेंट होता है, पढ़ना होता है। बट सिचुएशन ऐसा था जब वो कोविड था और फिर प्रशांत जी ने एक फ़ोन किया और कहा कि एक फ़िल्म बनाते हैं, तो मैंने कहा अच्छी बात है बट अभी मतलब हाँ अभी बनाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, स्क्रिप्ट भेजिए। स्क्रिप्ट भेजा, उन्होंने पढ़ा, फिर जब पता चलता कि आपके पास बजट बहुत टाइट है तो डिफरेंट सिचुएशन को क्रॉस करना आपको, उन्होंने बोला हो जाएगा। लोकेशन भेजा, मैंने जब लोकेशन देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक डायरेक्टर जो होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा लालची होता है, जब उसे अच्छी स्क्रिप्ट मिल रही है, अच्छा लोकेशन मिल रहा है, तो डेफिनेटली कि फिर कहीं ना कहीं फिर हमने स्क्रिप्ट पढ़ी और निकल पड़े।
और सबसे हाईलाइट मेरे लिए था कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट थे जिसके लोग हमारे पास नहीं थे। मतलब हम सिर्फ 32 या 35 लोग की यूनिट में पूरी फिल्म बनाए हैं। वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया, किसी चीज़ का इशू कभी नहीं बना, शूटिंग कभी नहीं रुकी, होता गया। और ये तो अभी आपने सुना है बूस्टर बूस्टर, बट वो हमारा बूस्टर जो है ना वो प्रशांत है। वो दो चार घंटे बाद या एक दो दिन बाद वो बूस्टर लगता था और काम वैसे होता था। नहीं होगा, होगा, सब होगा। और सही मायने में बताया जाए तो फिल्म से नहीं, पैसा से नहीं, पैशन से फिल्म बनी है कि बनाना है, दूसरा कोई ऑल्टरनेट नहीं था। और हर स्क्रिप्ट की अपनी एक डेस्टिनी होती है और वो डेस्टिनी हम लोग को वहाँ तक पहुँचाती है। फिल्म से काफ़ी आर्टिस्ट लग रही है और आर्टिस्टिक और इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा आई थिंक अवार्ड्स मिले, इस बारे में बताएं कितनी खुशी है। डेफिनेटली बहुत खुशी है, बिकॉज जब हम काम कर रहे थे, जब फिल्म बना रहे थे तो एक अलग था, बिकॉज एक बिल्कुल एक ऐसा लोकेशन जिस पे आप कभी नहीं काम किए हो, जहाँ के लोग कभी काम नहीं किए हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप कंसिडर कर रहे हो कि नहीं मिलेगा वो आपको और उसको आपको करना है, तो डेफिनेटली चीज़ें फिर यही होती है कि आपको कुछ अच्छा करना है। जब कुछ भी ना हो तो आपको कुछ बेहतर करना पड़ेगा, और वो हमारे लिए एक चैलेंज था कि हम 5 महीने 6 महीने से पक रहे थे कि कुछ चीज़ें हो जाए, और आगे का टाइम कुछ पता नहीं था कि कब क्या होने वाला है। और जब प्रशांत जी ये जितने देख रहे हैं ना, ये प्रशांत जी का बूस्टर डोज है हमारे लिए कि वो एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह चलती चली गई, मूवमेंट होता गया। और वही फाइनली वही बात है कि डेस्टिनी, हर स्क्रिप्ट की एक डेस्टिनी होती है और वो वहाँ तक जा रही है।